दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, चाहे बेटियों की शादी हो, चाहे कोई भी स्वास्थ्य कैंप लगवाना हो, तो पूज्य देवरा बाबा की तस्वीर आपको देखने को ज़रूर मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एक इंटरव्यू के दौरान राजा भैया ने अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा किया था, और उसमें जब उनसे पूछा गया कि कोई ऐसी एक घटना जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहें, तो उन्होंने कहा था कि माँ पिता की एक लौती संतान होने के बावजूद जो जीवन है मेरा काफ़ी अनुशासन में रहा। जब ये कहते हैं ऐसे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा पूज्य देवराह बाबा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, और कोई भी शुभ काम करने के पूर्व हम उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। हालांकि वहाँ पे उन्होंने जब जिक्र किया देवराह बाबा का, तो आप सबकी जिज्ञासा हुई होगी देवराह बाबा कौन थे, पूज्य देवराह बाबा के बारे में क्या जानकारी आपके पास उपलब्ध है क्या नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि राजा भैया देवराह बाबा ट्रस्ट के साथ मिल के लगभग 20,000 से अधिक बुजुर्गों के आँख के ऑपरेशन करवा चुके हैं, बेटियों की शादी भी करवाते हैं, तमाम ऐसे कार्य वो करते रहते हैं पूज्य देवराह बाबा के माध्यम से। अब राजा भैया का जो नामकरण है, सबसे बड़ा एक आता है कि राजा भैया खुद स्वयं कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है राजा भैया के पिताजी महाराज उदय प्रताप सिंह जी जब जाते हैं धर्मपत्नी सहित देवराह बाबा जी से मिलने, आशीर्वाद लेने उनका, तो उनके शब्द होते हैं कि अगली बार आपका गुरुवर दर्शन जो है कब होगा, तो उनके शब्द थे कि अगली बार पुत्र के साथ आना। तो यानी जो राजा भैया का नाम है रघुराज प्रताप सिंह, रघुराज नाम जो रखा गया वो पूज्य देवराह बाबा के आशीर्वाद से ही रखा गया, ऐसा इंटरव्यू में राजा भैया स्वयं भी बताते हैं। बहुत ही एक कहानी एक सुनने को ये भी मिलती है कि राजा भैया मात्र 13 साल की उम्र में जब थे तो उनके जबड़े में जो है यहाँ पे जबड़े में चोट लग गई थी, और जबड़ा कहते हैं हड्डी टूट गई थी, फट गया था। तो पिताजी उनको लेके जाते हैं उदय प्रताप सिंह जी बाबा देवराह बाबा के पास, और देवराह बाबा हाथ फेरते हैं, कहते हैं सिर्फ ऐसे हाथ फेरते हैं और उनका दर्द ख़त्म हो जाता है, और साथ में जो कि रिपोर्ट में आया रहता है कि एक्सरे में हड्डी टूटी रहती है, लेकिन एक्सरे जब वो हाथ फेरते हैं तो एक्सरे के बाद उनकी हड्डी जुड़ी हुई मिलती है। ये जिक्र काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी हुआ है कि ऐसी घटना हुई थी, ऐसा लोग मानते हैं। तो एक श्रद्धा भाव जो यहाँ से उत्पन्न होता है, और आप सब जानते हैं कि राजा भैया तमाम धार्मिक कार्य करते रहते हैं, चाहे राम मंदिर में जो है निर्माण में चंदन देना हो, चाहे राम कथा करवानी हो, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो उसमें ये भी पता चला कि छोटे से छोटे कार्यक्रम चाहे उनके क्षेत्र में होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और एक आम जनमानस की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह वो वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी हाल ही में भद्री में एक माँ काली का शायद मंदिर था, वहाँ पर भी वो भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो ये जो कहानी, तो ये कहा जाता है कि राजा भैया स्वयं भी कहते हैं जब मन व्रतित होता है, अंतर्द्वंद अंदर से एक पैदा होता है, तो मैं उनका ध्यान करता हूँ, मुझे ऊर्जा मिलती है, ये सब तो खैर कहा जाता है। लेकिन देवराह बाबा कौन थे, और ऐसे व्यक्तित्व को जो आप शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि देवराह बाबा से इंदिरा गांधी, अटल बिहारी, मुलायम सिंह सभी आशीर्वाद उनका लेने जाते थे। तो बचपन में ही बैराग की तरफ रुख कर दिए थे, और जब वो बनारस पहुँचे थे तो गंगा किनारे उनका उनकी मुलाकात होती है अहोबलाचार्य नाम के एक संत से, और वो उनके कहते हैं कि गीता का 15वां अध्याय जो है आप बताइए, तो अध्याय वो सुना देते हैं, और उसके बाद वो अपना 80 घाट स्थित द्वारकाधीश मंदिर, आप सब जानते होंगे, आप जाते होंगे तो वहाँ पे वो रहते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं। उसके बाद वो तपस्या करने बचपन में मतलब बनारस में आते हैं, अहोबलाचार्य महाराज जी उनसे गीता का 15वां अध्याय जो है पूछते हैं, उसके बारे में उनके जीवन का मार्ग उसमें लिखा होता है, साफ साफ वो बता देते हैं। द्वारकाधीश मंदिर है 80 घाट पे, वहाँ पे वो रहते हैं। उसके बाद वहाँ से वो चित्रकूट चले जाते हैं, चित्रकूट में काफ़ी तपस्या करते हैं, और तपस्या के दौरान कहा ये भी मान्यताएँ हैं, बहुत लोग ये मानते हैं कि उनको वहाँ पर हनुमान जी दर्शन देते हैं, और हनुमान जी कहते हैं कि जाओ तुम मचान में रहना, और मचान में जो है किसी को छूने मत देना क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। देवरिया में फिर वृंदावन में रहने चले जाते हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि
उनके बारे में ये मान्यताएं हैं कि वो 24 घंटे में जो है कि आधा लीटर से भी कम वो गाय के दूध का सेवन करते थे, आधा लीटर कम दूध के साथ वो मतलब गाय के शुद्ध देसी गाय के दूध का सेवन करते थे। एक बार वो मचान से उतरते थे शायद वो मतलब शौच क्रिया के लिए, 3 बार वो स्नान करते थे और जल के ऊपर उनका मचान था। और कहा यह भी जाता है कि कुछ खाते नहीं थे, उनको ब्रह्म रस यहाँ से मिलता था ईश्वर से। उनके पास जो उद्यान बंद था या प्लविनी एक कहते हैं उनका सिद्ध योग था, और सिद्ध प्लविनी बोलते हैं सिद्ध योग उनके पास अजित था, और खेचरी खेचरी मुद्रा उनको काफ़ी अच्छी तरह से आती थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ऊर्जा में रहते थे। और राजा भैया स्वयं भी कहते हैं कि चमत्कार बहुत छोटी चीज है और चमत्कार दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे दिव्य संत हुए जिन्होंने बहुत कुछ किया और देवराहा बाबा उनमें से एक थे। देवराहा बाबा स्वयं अपने तप और चमत्कार के बारे में कुछ बताते नहीं थे, अपने आयु के बारे में कुछ बताते नहीं थे। हालांकि मान्यताएं ये हैं कि उनकी उम्र जो है 100 साल से ऊपर थी। कई लोग कहते हैं वो 300 साल तक जीवित रहे, कई लोग कहते हैं 900 साल तक वो जीवित रहे। यानी 1990 19 मई, जो अभी मई 19 आने वाली है, इसी में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। और समाधि उनकी वहाँ पर यमुना किनारे वृंदावन में है। और उनके कई आश्रम चल रहे हैं। कहा जाता है कि उनके शिष्य जितने हुए उन्होंने कई आश्रम चलाए, जिसमें इसमें श्री राम ज्योति पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज और उनके नाम से हजारों शिष्य हैं, संत हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं। साथ में ये भी उनके बारे में एक मान्यताएं ये भी हैं कि आपातकाल के दौरान, देखिए उनको इंडियन सिद्ध योगी कहा जाता था, मतलब देवराहा बाबा को इंडियन सिद्ध योगी कहा जाता था। यमुना रिवर के किनारे वो वृंदावन जब चले गए देवरिया में, हालांकि कुछ ऐसा होता है जो है देवरिया में कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद उनका मन थोड़ा खिन्न हो जाता है और वो वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में अपनी उम्र और सिद्धियों के बारे में उन्होंने कभी दावा नहीं किया, मतलब अपनी उम्र और सिद्धियों के बारे में कभी उन्होंने दावा नहीं किया कि हमने ये किया हमने ये किया। और साथ में ये भी कहा जाता है बिना पूछे वो आपके मन की बात जान लेते थे, चाहे खेचरी मुद्रा या स्वप्लिनी, जो स्वप्लिनी मुद्रा जो कहा जाता है साधना शक्ति थी उनके अंदर। और बड़ी बात दोस्तों ये कहा जाते ही जाती है कि वो जल पे चलते थे, यानी स्वप्लिनी जो मुद्रा थी उसमें जल पे चलते थे और आधे घंटे से अधिक वो जल के अंदर रह लेते थे। मतलब ये अजीब अपने आप में बहुत सिद्ध वाली बात है। काल के बाद जब चुनाव हुई और चुनाव इंदिरा गांधी हार गई तो देवराहा बाबा के आशीर्वाद लेने गई और देवराहा बाबा ने हाथ उठा के उनको आशीर्वाद दिया। तभी कहा जाता है मान्यताएं हैं कि चुनाव चिन्ह पंजा इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का रखा था। और मचान पे बैठे बैठे वो श्रद्धालुओं से मन की बात जान लेते थे। मृगशाला पहन लेते थे वो। आश्रम में अटल बिहारी मुलायम सिंह यादव जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे और साथ में मुलायम सिंह यादव जैसे कई नेता जाते रहते थे और अपने आशीर्वाद प्राप्त करते रहते थे। देवरिया के मईल गांव में उनका मचान पहले था, लेकिन बाद में जब मन खिन्न होता है तो वो जो है वृंदावन चले आते हैं और वृंदावन में ही बस जाते हैं। मतलब वृंदावन में ही आदि जब लेते हैं तो वृंदावन में ही लेते हैं। दोस्तों ये था पूज्य देवराहा बाबा जी के बारे में। देवराहा बाबा जी के बारे में अक्सर कम लोग जानते हैं, एक अद्भुत दैवीय शक्ति से पर की शक्ति कहते हैं ईश्वर से उनकी सीधी बातचीत होती है ये भी कहा जाता है। और उनके शिष्य हर जगह हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। तो राजा भैया देवराहा बाबा जी को बहुत मानते हैं और उनका आशीर्वाद से उनका मानना है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी जब भी जीवन में समस्याएं आती हैं उनके पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर भी है, उनका जो मंदिर है योगीराज देवराहा बाबा मंच आश्रम मईल देवरिया, यानी उनका एक और कई उनके शिष्य लोगों ने बनाया है बहुत कुछ। तो ये थे बाबा देवराहा के बारे में, पूज्य बाबा देवराहा, जिनके बारे में अक्सर लोग चर्चाएँ करते हैं और प्रधानमंत्री से लेके बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनका आशीर्वाद लेने जाती थी। तो राजा भी स्वयं मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ और उन्हीं की शक्तियों का आशीर्वाद है कि वो जब भी थोड़ा असहज महसूस करते हैं या उनको लगता है कि वो अंतर्द्वंद है कुछ ऐसा, तो वो उनका ध्यान करते हैं और उनको काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों पूज्य देवराहा बाबा को सादर प्रणाम करते हुए ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।